हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ विक्ट गुड का, ये इंस्टेंट नूडल्स। और आपको शायद याद होगा पिछले कुछ वीडियो पहले मैंने इसी ये पैक ऑफ थ्री मैंने मंगाया था नूडल्स, जिसमें तीन फ्लेवर के नूडल्स आए थे ये तीनों। और मैं क्योंकि दो बना चुकी हूँ और ये लास्ट एक बचा है तो आज ये बनाऊँगी। लेकिन सबसे पहले मैंने इसमें मसाला वाला बनाया था जो ग्रीन पैक है, उसके बाद मैंने ये ऑरेंज वाला बनाया जो कि शेजवान फ्लेवर है, और ये दोनों फिर बच गया था तो फिर शेजवान वाला बनाया था। लेकिन अब मेरे पास सिर्फ करी वाला फ्लेवर बचा हुआ है, तो आज हम करी वाला फ्लेवर बनाएंगे जो कि ये पैक मेरे पास बचा हुआ है अब। और वो दोनों आपको वीडियो देखना होगा तो वो भी मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। आज करी फ्लेवर ट्राई करते हैं। उन दोनों में तो मुझे सेजवान वाला ज़्यादा पसंद आया था फ्लेवर, आज इसको ट्राई करते हैं कि ये खाने में कैसा लग रहा है। और तीनों में हम देखेंगे कि तीनों में से सबसे ज़्यादा फ्लेवर किसका अच्छा लगा। तो आज इसको ट्राई करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही हेल्दी नूडल है विक्ट गुड का, और आप देख सकते हो इसमें मैदा नहीं है, ऑयल नहीं है, यानी ये फ्राइड नहीं है, ये मैदे से नहीं बना। तो बच्चे क्योंकि बहुत करते हैं कि हमें खाना है, नूडल्स खाना है, तो आप इसको दे सकते हो, वो खा सकते हैं, उन्हें भी अच्छा लगेगा। और इधर आप इसकी गुडनेस देख सकते हो, ब्राउन राइस है इसमें, दालें हैं और इसमें ओट्स पड़ा हुआ है, तो इन सब चीज़ों से ये बना हुआ है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो नूडल्स है ना वो तो है ही हेल्दी क्योंकि वो फ्लोर मतलब मैदे से नहीं बना है, लेकिन इसका जो टेस्ट मेकर है ना वो भी बहुत ही हेल्दी है, उसमें भी मूंग दाल, चना दाल, इन सब चीज़ों का फ्लेवर आया हुआ है और इन सब चीज़ों से बना हुआ है। इधर आप देख सकते हो इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, आप पढ़ सकते हो, इसलिए जब आप ये खुद खाओगे और बच्चों को खिलाओगे तो आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है, गिल्ट फील नहीं होगा। तो इधर देखिए इसमें आपको बनाने का तरीका लिखा हुआ है, बिल्कुल आसान है, जैसे आप नॉर्मल मैगी बनाते हो बिल्कुल वैसे ही बनाना है, लेकिन थोड़ा सा पानी आपको ज़्यादा रखना है, तो वो मैं आपको अभी बना करके दिखाती हूँ। तो चलिए इसको कट करते हैं, इसको देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी पैक ऑफ थ्री आता है, इंडिविजुअल पैकेट्स आते हैं, तो मैं आपको खोल करके दिखाती हूँ। तो चलिए इसको हम कट कर लेते हैं। और पानी इसमें इसलिए ज़्यादा लगता है ना क्योंकि ये पकने में थोड़ा टाइम लगता है, होल व्हीट है, मैदा नहीं है, तो थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है। तो ये देखिए इसमें तीन आपको पैकेट दिख रहे होंगे, इस तरह से इंडिविजुअल आपको तीन पैकेट मिलेंगे, आप एक खाकर बाकी दोनों आप रख सकते हो बाद में बनाने के लिए। तो ये देखिए इसको खोल लेते हैं, और देखने में बिल्कुल आपको नॉर्मल मैगी जैसा ही लगेगा, लेकिन ये देखिए इसका टेस्ट मेकर है, और जो टेस्ट मेकर है जो मसाला है वो भी क्वांटिटी उसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए मैंने पानी ले लिया है, पानी इसमें थोड़ा सा आप ज़्यादा रखिए, जैसा आप नॉर्मल मैगी बनाते हैं उतना नहीं रखना है। और इसमें हम ये डाल देंगे पानी, आप ढाई से तीन कप पानी आप इसमें ले लीजिए, और चार से पाँच मिनट तक आपको पकाना है। तो जब आपका पानी बॉयल होने लगेगा, बॉईल होने के टाइम आप इसमें वो नूडल्स डाल दीजिए, मसाले डाल दीजिए, आंच थोड़ा कम कर दीजिए और इसको पकाते रहिए। चार से पाँच मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर आपको जैसा आपको खाना है, ज़्यादा ड्राई खाना है या थोड़ा सा सूपी खाना है, उस हिसाब से आप इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। तो ये देखिए पाँच मिनट हो गए हैं और मैं अब इसको उतार दूँगी क्योंकि ये हो चुका है, तो इसको हम उतार देते हैं। ये देखिए अब इसको मैं सर्व कर लूँगी, और इसका टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा, सेजवान जैसा नहीं लगा, लेकिन टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा है। मैंने तीन पैक मंगाया था, तीनों पैक में से मुझे सबसे अच्छा तो सेजवान वाला ही फ्लेवर लगा, बाकी के मसाला और ये करी जो है वो बराबर लगा, वो एक ही जैसे हैं, लेकिन शेजवान वाला बेस्ट है। तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अगर ये तीनों मंगा रहे हो तो आपको कौन सा फ्लेवर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। और आपको एक बात बता दूं, ये लोग इतना प्रोडक्ट
अपने वेबसाइट पे भी सेल करते हैं, तो आप वेबसाइट से जाके भी ले सकते हो। वेबसाइट से अगर आप लेते हो तो उसमें ऑफ़र भी चलते हैं, तो हो सकता है आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाए। वैसे मैंने प्रोडक्ट का शायद प्राइस नहीं बताया है, तो इसका पैक का एक पैकेट का प्राइस 135 रुपीज़ है, जिसमें आपको 3 मिलेंगे जैसा कि आपने देखा। तो मैंने पिछले वीडियोज़ में भी इसके प्राइस बताया है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।